डिलीवरी वाले भैया आ गए हैं मैकबुक एयर M1 लेके, और वैसे बड़ी टाइम पे डिलीवरी किया है, थैंक यू। आई थिंक ब्लू डार्ट से कुरियर डिलीवर किया गया था मेरे पास। तो हमारे पास एप्पल मैकबुक एयर M1 जस्ट आई है, इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्टली बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाएगा। कुछ पैकेजिंग है वो ऐसे आई है, मैंने डायरेक्टली apple.com वेबसाइट से परचेज किया हुआ है, तो यहाँ पे ना तो अमेज़न की ब्रांडिंग है ना फ्लिपकार्ट की है, ना ही मैंने एप्पल स्टोर से, क्योंकि आई थिंक इसका जो स्टॉक है काफ़ी कम है, तो डायरेक्टली मैंने वेबसाइट से परचेज कर लिया था। चलिए बॉक्स के अंदर चेक करते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाएगा। और वो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है, और जो मैंने कलर परचेज़ किया है सिल्वर कलर की, मेरे पास मैकबुक एयर M1 है, नीचे लिखा गया 8GB 256GB 13 इंच मैकबुक एयर। देखो दूर रहो, उधर रहो, अरे फोन निकालेगा ना, मैं काफी एक बार काफी भाई आपको यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी USB चार्जिंग केबल दे दी गई है। आप देख सकते हो जो लेंथ है काफ़ी आपको बड़ी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आई थिंक 30-35 वॉट का ये एप्पल का चार्जर दे दिया गया है। तो यहाँ पे इन द बॉक्स आपको मैकबुक एयर मिल जाती है, इसके अलावा चार्जर मिल जाता है, और USB केबल देखने को मिल जाती है। कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इवन बैग वैग देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन का ही मैकबुक एयर M1 सीरीज़ मिल जाएगा। मैंने जो वेरियंट परचेज़ किया है 8GB 256GB वेरिएंट है, और आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। आप जैसे इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर दो डायरेक्टली ये ऑन हो जाएगा, बड़ी अच्छी चीज़ नजर आएगी। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऑन करने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन बटन वगैरह प्रेस नहीं करना पड़ा, और आपको यहाँ पे ये बटर पेपर भी दिया गया जस्ट इन केस स्क्रैच वगैरह से बचाने के लिए। तो मैंने अभी साइड में रिमूव कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करता हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्टाइलिश लुक दिया गया। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दो टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, इसके थ्रू इसको चार्ज कर पाएंगे। एडिशनली SSD वगैरह भी इसी पोर्ट के थ्रू यूज़ हो पाएगी, अलग से कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया। फ्रंट में आपको ये ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा दिया गया। राइट हैंड साइड पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। 13.3 इंच की आपको रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 227 PPI रेटिंग के साथ आते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत अच्छी दी गई है, तो आपको यहाँ पे कलर एक्यूरेसी में कहीं पे शिकायत नहीं आएगी। इवन आप जैसे इसको स्क्रीन को नीचे से ऊपर करते हो हर बार आपको ऑन ही मिलेगा, तो यहाँ ऑन ऑफ में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं बचे हुए स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे सिंगल चार्ज में 18 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 8 core CPU और 8 core GPU, आई थिंक अप टू यही यहाँ पे इसका मार्क दिया गया, जो कि डेफिनेटली आपको काफ़ी स्पीड प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर फैन देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। आई थिंक मैकबुक की अगर मैं इसे प्रीवियस जनरेशन की बात करता हूँ, जहाँ पे i5 i7 मिला करते थे, वहाँ पे फ़ैन की जो नॉइस हुआ करती थी बहुत ज़्यादा आया करती थी, काफ़ी इरिटेट हो जाया करते थे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, बहुत शांत रहने वाला है। बैटरी बैकअप भी 18 आवर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर मैं वाईफाई की बात करता हूँ, वाईफाई 6 दिया गया, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हिसाब से भी सब कुछ आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है। एडिशनली यहाँ पे 3 माइक्रोफोन एरे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है फॉर कॉलिंग। आप मान के चलिए अगर आपको कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह चाहिए होती है, तो कैमरा की क्वालिटी भी इम्प्रूव की गई है। एडिशनली माइक क्वालिटी है वो भी आपके वॉइस के ऊपर फोकस करेगी, बैकग्राउंड की जो नॉइस वगैरह काफ़ी यहाँ पे सप्रेस करने ट्राई किया जाएगा, तो ये भी एक एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, वो सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट टच सेंसर भी देखने को मिल जाता है। रैम मेरे पास जो वेरिएंट है 8GB का है, बट आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 16GB। SSD की बात करता हूँ, रोम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इनबिल्ट मेरे पास 256GB है, बट आई थिंक आप उसको 2TB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर मैं मेरी नीड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो नीड है, मेरे को एक एडिटिंग के हिसाब से लैपटॉप चाहिए होता है जिसकी बैटरी बैकअप अच्छा हो, मुझे साउंड वगैरह नहीं चाहिए होती है। आपको यहाँ पे एक स्पीड मिल रही है जो आपका टाइम वेस्ट होता था ऑन ऑफ करने के हिसाब से, वो आपका प्रॉपरली बच जाता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया गया है, ओवरऑल डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी मैं ट्राई करूँगा जल्दी इसका एक डिटेल रिव्यू लेके आ जाऊँ कि एक्चुअल में क्या क्या मुझे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। सर वेट कीजिएगा, आपको जल्दी प्रॉपर डिटेल रिव्यू मिल जाएगा।
बाकी फर्स्ट इंप्रेशन की बात करता हूँ, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको अभी हैंड टू हैंड परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका बेस्ट परचेज प्राइस लिंक अवेलेबल होगा। एडिशनली काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे, तो वो चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम जितने भी गैजेट्स हमें चैनल पे देखते हैं, इंक्लूडिंग दिस मैकबुक एयर लैपटॉप, सबके सब मैंने खुद की अपनी हार्ड एंड मनी से परचेज किया हुआ है। कुछ भी यहाँ पे रिव्यू नेट, पेड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, फेक मार्केटिंग किसी कंपनी की चापलूसी नहीं होती है। जो मुझे सही लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूंगा। तो चलिए बातें बहुत हो गई, आज के लिए इतना ही। अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योर सेल्फ।